नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2022 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितना प्याज आया, आज की क्या कुछ स्थिति है प्याज की। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मान के रेट हैं। यहाँ पर जो दिल्ली आजादपुर मंडी में रेट चलता है प्याज का वो 40 किलो का चलता है, 40 किलो मण को बोलते हैं। चलिए जान लेंगे रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास, दो गाड़ियाँ हैं और एक ये लोकल माल है जो राजस्थान कैथल का है, और इसमें भी दो किस्म के प्याज हैं, एक बिल्कुल लाल प्याज है, एक थोड़ा सा फिक्के रंग पे प्याज है। जान लेंगे कहाँ कहाँ के प्याज हैं आज के, इनके क्या कुछ बाजार चले रोज के मुकाबले, आज मंडी में क्या स्थिति है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार आपको भी और आपके सब व्यूअर्स को भी नमस्कार। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, मजा आ रहा है। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी सर जी, आज कितनी गाड़ी है जी, कैसा बाजार है जी? देखो जी 16 गाड़ी तो बैलेंस रह गई थी, बैलेंस कम होता जा रहा है। अच्छा जी, क्योंकि दिसावर की गाड़ी कम आ रही है। अच्छा जी, और 12 आड़तियों के पास है और 6 नेफड़े पे, 18 गाड़ी ताजा आई है आज। हाँ जी, और 16,500-17,000 कट्टा राजस्थान का नया प्याज आया है। अच्छा जी, ये तो आमदन है। हाँ जी, और जो नॉर्मल आमदन है कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, इतने की बिक्री भी है यहाँ। हाँ, यानी बाजार के हालात ठीक हैं जी? हालात ठीक हैं, शनिवार है आज, वैसे भी बिक्री थोड़ी ज्यादा होती है शनिवार। अच्छा जी, और सोमवार के बीच में एतवार पड़ता है तो शनिवार की यानी डबल मंडी बनी जाती है जी? डबल तो नहीं है जी, मतलब ये मान लो आप 25-30% फालतू बिकता है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, 25-30, चलो कुछ तो बिकता है जी। हाँ बिल्कुल बिकता है। अच्छा जी, तो सर जी आज का कहाँ कहाँ का माल है जी अपने पास? जी अपने पास या राजस्थान का है। हाँ जी, और गुजरात का है। अच्छा, दो जगह का प्याज है। और एक सर जी इसमें जैसे लाल ज्यादा लाल है, एक लाल ज्यादा लाल गूढ़ा लाल है जी, वो आगे पड़ा ये तो देखो जी? जी जैसा बीज कोई लगाएगा वैसा रंग आ जाएगा। अच्छा जी, 3-4 तरह का बीज होता है रंग का। अच्छा, जैसे रंग का बीज लगाओगे वैसा आ जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, तो आज की क्या स्थिति है जी, ये जो अपने राजस्थान के हैं जी, इनकी क्या स्थिति जी? देखो जी राजस्थान हो चाहे दूसरा हो, हाँ जी स्थिति सभी की रोज कई दिन से, कल नहीं बढ़ी थी। हाँ जी, वरना 50 रुपए रोज बाजार बढ़ रहा है। अच्छा जी, आज भी बढ़ेगा 50 रुपए। अच्छा जी, और अच्छों में हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी बढ़ जाए। अच्छा जी, 50 रुपए का मतलब होगा जी 1.25 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो बढ़ेगा। अच्छा जी अच्छा। हाँ, जो भी भाव कल से, हाँ जी, उससे तेज रहेगा। अच्छा जी, ये पोजिशन है। और बाकी किसानों को मैं कई बार कह रहा हूँ कि जो भी वजन बढ़ना है जिसके प्याज का, वो प्याज ना उखाड़े। हाँ जी, बढ़ने दे। अच्छा जी, कोई घबराहट अभी 10-15-20 तारीख तक नहीं दिखती। अच्छा जी, 10 जनवरी तक। 10 जनवरी तक, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा, मैं नहीं कह रहा उसके बाद घबराहट है। हाँ जी, लेकिन सब्जी में बहुत लंबा, जबकि इस टाइम स्टॉक का टाइम तो है नहीं। हाँ जी, फसलें खेतों से निकल रही हैं। हाँ जी हाँ जी, और धीरे धीरे नए राज्यों में भी निकलती जा रही है, तो सब चीज का सिस्टम बनाना पड़ता है। अच्छा जी, 10-15 तारीख तक कोई मंदे की चांस नहीं है 10 तक। अच्छा, नहीं 15 दिन, 10 जनवरी बैठ गई, 15 दिन बैठ गई, 20 दिन। अच्छा, तो आदमी जिसका वजन 5-10 दिन में बढ़ना है, हाँ जी अभी बढ़ता हो, उन्हें उखाड़ना नहीं चाहिए, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और शायद रेट भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा जी, जो रेट चल रहा है इससे कम होता तो दिखता नहीं। अच्छा जी, वो इसलिए क्योंकि गुजरात भी तेज है। हाँ जी, और महाराष्ट्र भी तेज है। अच्छा जी, महाराष्ट्र ज़्यादा तेज है, तो जब वहाँ तेज है इसलिए क्योंकि साउथ में डिमांड जा रही है और एक्सपोर्ट भी काफ़ी हो रहा है। हाँ जी, वो किसान भाई या व्यापारी ये ना समझे कि पहले एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। हाँ जी, पर ये चीज़ें डिमांड के ऊपर है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा तभी होता है जब बाहर वाले देश मांगे। अच्छा जी, और कोई भ्रम में ना रहे, सरकार कभी भी एक्सपोर्ट बैन नहीं करती जब तक प्याज बहुत तेज ना हो जाए, तेज नहीं बहुत तेज ना हो जाए। अच्छा, कोई सरकार बंद नहीं करती, यानी 50 रुपए किलो से ऊपर या 60-70 रुपए, ये सरकार इलती हुई चमकेगी तब बैन करेगी वो, और वो पहले ही पता लग जाएगा अखबारों में मीडिया में कि अब बंद होने का टाइम आ गया है। अच्छा जी, ऐसे आम हालात में कई बार किसान व्यापारी पूछे जी कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, अरे एक्सपोर्ट बंद ही नहीं होता भाई। अच्छा, इतने कम रेट रहे कौन एक्सपोर्ट बंद कर देगा। तो इन हालात में प्याज की बिक्री भी अच्छी है। हाँ जी, जितना हर साल बिकता था उससे ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा जी, तो मैं ये मानता हूँ कि 2 पैसे किसान को जो मिल रहे हैं उससे भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। अच्छा जी, फिर सर जी वही बात आ जाएगी घूम फिर के, जैसे आप कह रहे कि घबराने की भी जरूरत नहीं है और रोकने की भी जरूरत नहीं है,
तो कुछ जिनके पास माल तैयार है जी, जैसे देखो आप, आपके पास आज ये क्या शानदार मोटे माल, चपटे माल आए, और जो कुछ जिनके माल ये तैयार हो गए और जो इसको रोकने लग जाए, कुछ वीडियो देख के जी उन्हें कहा, भाई साहब इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा है, हाँ जी, राजस्थान वाले अगर ज्यादा रोकेंगे तो उसमें घास उगाएगी, अच्छा जी, और उसकी कीमत कम हो जाएगी, हाँ जी, थोड़ा बहुत रोक के जरूर बेचे, लगातार ना बेचे। मेरी जो एक सलाह और है किसानों को, हाँ जी, कि अपनी फसल जब तक मंदे का दौर ना हो इकट्ठी ना बेचे। अच्छा, ये मौका ऐसा है, हाँ जी, कि आपके पास कितनी भी फसल है उसे एक दो बारी, अगर एक बारी में बेचते हो, हाँ जी, तो दो तीन बारी में बेचो, अच्छा जी, दो तीन बारी में बेचते हो तो पांच छह बारी में बेचो, अच्छा, मतलब मंडियों में कम तादाद में ले जाओ जितना पहले ले जाते थे उससे, अच्छा, क्योंकि उम्मीद है आपको दो पैसे ज्यादा मिलने की, अच्छा जी, पर सारा रोको भी मत, भगवान ना करे, हाँ जी, कहिए फसल बढ़िया आ जाए दूसरी जगहों से और बाजार में कोई फर्क आए 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो हाँ जी, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि ये स्टॉक की प्याज तो है नहीं, अच्छा जी, ठंड का मौसम है, हाँ जी, ठंड के मौसम में प्याज में हरी घास उगाती है, हाँ जी, तो थोड़ा लेट जरूर करे हर किसान, क्योंकि मंडियों में आमदन के ऊपर ही भाव होता है, अगर आप एकदम ले आओगे, हाँ जी, तो भी मंडी टूटेगी, पहले वहां के बाजार टूटेंगे फिर दिल्ली का टूटेगा, हाँ, तो इस हालात से मैं सबको ये सलाह दूंगा, बेचे धीरे धीरे बेचे, हाँ जी, और 100 कट्टा ले जाते हो 50 कट्टे ले जाएं, अच्छा जी, घबराहट की अभी कोई बात नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ कि 10 तारीख तक तो कोई कहीं से इतनी ज्यादा प्याज नहीं आएगी कि बाजार में कोई दिक्कत आए, अच्छा जी, तो पूरे देश का किसान जो भी बेचता है जितना भी बेचता है उससे थोड़ा सा कम करके मंडियों में ले जाए, अच्छा, या किसी को बेचता है खेत में भी तो सारा इकट्ठा ना बेचे, यानी बाजार जो मंडियों में भी कम थोड़ा ले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके बाजार स्टैंड भी रहेगा, हाँ, और ऊपर की तरफ रुख रहेगा, रोचवन्नी ठन्नी जैसा भी, हाँ, और आज मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मंडी से खबरें आ रही हैं कि अच्छे माल 100 रुपये तेज है, अच्छे माल 100 रुपये मंडा 1 रुपये किलो, हाँ, अच्छा, और जो थोड़े 19-21 होते हैं, हाँ, उनका तो मैं नहीं कहूँगा किसान के माल को, हाँ जी, वो थोड़ा 50 रुपये तेज है, अच्छा, तो आज बाजार 50 से 100 रुपये तेज निकला है, अच्छा जी, कल से, तो आज की जो टॉप खबर है जी, टॉप रेट कहीं का भी है, चाहे अपनी दुकान का है या मंडी का है, कहीं का भी जो रेट है जी, अच्छे मालों का, जैसे माल रखे दो प्याज रखे बढ़िया माल का, क्या रेट है जी आज का? आप 900 रुपये समझो, अच्छा, एक आधा लॉट और भी तेज बिक सकता है किसी ने स्पेशल भेजा हो तो, अच्छा जी, तो आज जो बाजार 700-800 चल रहा था, हाँ जी, वो मतलब राजस्थान का तो ये चल रहा था 550 से 650, अच्छा जी, आज उसका बाजार समझो 600 से 800, अच्छा जी, बाहर के जो बढ़िया आ रहे हैं, हाँ जी, उनका बाजार 700-800 था, हाँ जी, उसका बाजार 800 से 900 समझो, अच्छा जी, जो पक्के बाजार हैं, पक्के। एक आधे लाट की बात मैं इसलिए नहीं करता कि उससे लोग गुमराह हो जाते हैं, वैसे तो इससे भी तेज बिके एक दो लॉट, अच्छा जी, हाँ, तेज का मतलब भी जैसे कोई 1000 भी चला गया, हाँ चला गया, अच्छा जी, उसको लेकिन उनको आपको भी नहीं बताना चाहिए और मुझे भी, अच्छा, क्योंकि जो आदमी उसको सोच के काम करेगा, हाँ जी, देखो चाय बेचने वाला हर आदमी मोदी नहीं हो सकता, हाँ जी, ठीक है जी, तो हम ये कहे जी चाय बेचने वाला मोदी है प्रधानमंत्री बन गया तो सारे नहीं बनने वाले, हाँ जी, एक ही बनेगा, अच्छा जी, इसलिए वो चीज भी स्पेशल होगी, हाँ जी, देश में 1% आदमी भी वैसा प्याज नहीं दे सकता मंडियों को, अच्छा, 1% कह रहा हूँ, हाँ जी, तो उनका जिक्र मैं नहीं करता, अच्छा जी, मैं उसका भी जिक्र नहीं करूंगा जो चोपे बिक रहे 300 रुपये के, मैं प्याज की बात करूंगा जो नॉर्मल मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो है, हाँ जी, वो आज 600 से 800 रुपये है, अच्छा जी, बार का 700 से 900 रुपये है, अच्छा, 100 रुपये बढ़ा के बता रहा हूँ कल से, अच्छा जी, ये पोजीशन है, हाँ जी, और अभी दिन निकला है और क्या बात बनती है पूरी तरह, हाँ जी, तेज तो रहेगा ही, अच्छा जी, अब बिक्री धीरे जब तेज हो जाता है इतना तेज, हाँ जी, तो ग्राहक भी घूमने लगता है, क्यों, अच्छा, माल तो कम नहीं है, अच्छा जी, यानी घूम घूम के सौदा लेते हैं शुरू में, हाँ, ये नहीं आया कि आया और सौदा तेज, तेज अगर भाव बताओगे तो रुक के लेगा, अच्छा जी, पहले सारी तो मंडियों लेकिन में, किसानों को क्या लेना इन बातों से, हाँ, बात ये है 10 तारीख तक मैं कह रहा हूँ घबराहट नहीं है, 10 जो बाद चल रहा है, हाँ जी, यही रहेगा या इससे ऊपर रहेगा, अच्छा जी, और 10 तारीख के बाद क्या होगा 5-7 दिन बाद बताऊंगा, अच्छा, और खबरें ले लूं सब तरफ से, हाँ जी, देखो प्याज में स्टॉक में तो लंबी बताई जा सकती है, हाँ जी, पर कच्ची फसल कितनी कहाँ निकल रही है, अब देखो 25 दिसंबर है कल, हाँ जी,
पूरे देश में 5-7-10 दिन में बरसातें होनी है। अच्छा जी, तो होती है सर्दी की, सर्दी की बरसात कहाँ आई? हाँ, बीमारी फैल रही है, सूखा है। हाँ जी, तो उसमें कितनी बरसात होती है, कहाँ होती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? दिल्ली में तो खासकर होनी जरूरत की। देखो जी, जो पेड़ है ना जी, इन पे एक इंच डस्ट जम गई, पोल्यूशन जम गया, बहुत बुरा हाल है। यही तो इन्हीं लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, कि किसान अपना माल, मैंने दो बातें मुख्य बताई। हाँ जी, कि जो बाजार चल रहा है ये रहेगा या इससे थोड़ा तेज होगा। अच्छा जी, दूसरी ये बताई कि एक बारी में अपनी फसल सारी ना ले जाए। हाँ जी, जितनी बारी में ले जाते हैं उससे 2-3 बारी बढ़ा दें। अच्छा जी, उन्हें सारी ना रोकें। हाँ जी, फिर जैसे स्टॉक वाले मरे ना सारी रोक के, फिर वो वाली बात बनती है। अच्छा जी, निकाले जाओ धीरे धीरे। हाँ जी, पीछे भी वजन ना हो, आगे भी वजन ना हो। हाँ जी, अगर स्टॉक वालों ने इस बार मेरी बात मान ली होती। हाँ जी, तो ये प्याज 30-35 रुपए बिकता पहले दिन से ही, ये सारा का सारा। हाँ, और स्टॉक वालों का भी 30-35 बिकता सारा, जब वो मौका था जी, जब मौका था। अच्छा जी, पर उन्होंने नहीं बेचा, कुछ लोगों के गुमराह में भटकावे में आ गए, रोका, और अब जीरो है, पड़े हैं घरों में, कोई लेने को तैयार नहीं है। हमें उनका फोन आता है जी पुराना भेजे, मगर भाई बिकेगा ही नहीं, क्यों भेजेगा, मत भेज, हमें तो अब नया भेज। हाँ जी, ये पोजीशन। और नया गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में, सब में निकल आया है। अच्छा जी, और रोज बढ़ता जाएगा, तो इसलिए रोके भी ना। और सबसे बड़ा खतरा तो मुझे ये कि इतनी ठंड पड़ रही है, और अब कल परसों से ज्यादा ठंड बता रखी है। हाँ जी, तो जब ज्यादा ठंड पड़ेगी तो इसमें उग जाएगा मॉइस्चर से। अरे अरे, जैसे किल्ला आया जरा सा भी, हाँ जी, उसकी कीमत काफी कम हो जाती है। अच्छा जी, किल्ला आने से तो आप बेचे। हाँ जी, आराम आराम से बेचे, पर बेचे जाए। अच्छा जी, कोई आदमी इस बात से ये मतलब नहीं लेगी मैं 10 दिन बाद ही बेचूंगा। हाँ जी, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं, समझने वाले तो समझ गए होंगे जी, बाकी अपना किसानों की मर्जी है, जैसे मर्जी करें। हाँ जी, हाँ जी, वो उनका है जी। देखा जाए जी, तो प्याज सब लगाए। हाँ जी, प्याज में हर साल पैसे मिलते हैं। हाँ जी, लेकिन किसे मिलते हैं? जो लगातार लगाता है। नहीं नहीं, हाँ जी, जो ज्यादा लालच नहीं करता। अच्छा जी, ज्यादा लालच वाले का दो ही काम होते हैं। हाँ जी, या रेल में या जेल में। अच्छा जी, या भारी मुनाफा या भारी घाटा। अच्छा जी, किसानों को वो टाइम नहीं देखना चाहिए, उन्हें भरा हुआ मेला छोड़ना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे बेटा मेला भरा छोड़ना है। अच्छा जी, मेले के आखिर में या तो लुट जाओगे। हाँ, या लूट लोगे। अच्छा, या डकैत पड़ जाएंगे, चोर पड़ जाएंगे। हाँ जी, या रुपए की चीज आने में मिलेगी। हाँ जी, वो बेच तो जाएंगे। वो तो किसान का काम नहीं है। अच्छा, वो व्यापारियों का, लालचियों का काम है। हाँ जी, हाँ, मैं तो किसानों को राय दूंगा, जब मुनाफा मिलता है और जब आखिर से पहले भरा मेला छोड़ दिया करें। अच्छा, व्यापारी जो मर्जी करे। हाँ जी, हाँ, किसान व्यापारियों जैसा लालच ना करे। हाँ जी, मेरी ये राय। अच्छा जी, तो सर जी देखा जाए जो अब की 12 करोड़ अरबों रुपए का घाटा पड़ रहा जी। हाँ, पड़ गया। पूरे देश का जो पुराना प्याज है जी, करोड़ों रुपए के हिसाब से। हाँ, हर रोज उसमें घटे। अभी भी पड़ा है, फेंकना पड़ेगा, बहुत पड़ा है। और इतना ही इसमें नुकसान जा रहा जी। तीन दिन पहले मुझे एमपी के किसान का फोन आया कि हमारे गाँव में तो किसी ने एक दाना नहीं बेचा। मैं क्या करोगे भाई अब फिर? कि जी हमें, मैं नाम नहीं लूंगा कि उस आदमी ने मरवा दिया, उसका वीडियो देख देख के। अच्छा जी। और उस वीडियो वाले को भी और उस आदमी को भी गाली दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। पर मैंने कहा ऐसा मत करो, उन्होंने बेचारों ने अपना दिमाग लगाया होगा, छोड़ो, कह रहे जी आपकी वीडियो देखते हैं और आप जितनी भी कहते हो 5-6 महीने से देख रहे हैं, आपकी बात सच्ची। ये बात आपने वजनदार करी जी आज भी। मैं सिर्फ 10 जनवरी तक के लिए बता रहा जी। हाँ, इसके बाद का बाद में, क्योंकि इसका लंबा अंदाजा दे नहीं सकते। नहीं दे सकता, जो बोलेगा झूठ बोलेगा। अच्छा जी, और मैं ये कह रहा हूँ प्याज लगाएं सब, स्टॉक का भी। हाँ जी, पैसे मिलेंगे, स्टॉक करें। हाँ जी, पर जब पैसे मिलते हैं तब बेचे, धीरे धीरे बेचे। हाँ जी, मैं नहीं कहता, अगर आप आखिर ही देखोगे तो भारी घाटा या भारी मुनाफा हो सकता है। हाँ जी, ना हो सकता है। अच्छा, तो हमें किसानों को तो ये चाहिए कि भाई जो फसल में बेच लें, अपने खर्चे लाए, थोड़ा बहुत जो स्टॉक कर सकते हैं कर ले। हाँ जी, पर फिर जब वो मुनाफा मिलने लगता है ठीक ठाक। हाँ जी, क्यों, जैसे स्टॉक पैक होता है ना, जुलाई में बाजार तेज होने लग पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगस्त में तेज रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते, तेज रहते हैं, सितंबर में भी तेज रहते हैं। हाँ जी, तो
इसी दौरान किसानों को धीरे धीरे अपना प्याज बेच लेना चाहिए। हाँ जी, और नहीं बेचे तो मालिक हैं, जैसे मर्जी करें। इस साल करा है तो किसी साल बहुत पैसे भी मिले पीछे दो चार बार। हाँ जी, और उसी की देखा देखी इन्होंने ये काम किया। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये व्यापारियों को शोभा देता है, किसानों को नहीं। चलो, अब तो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो रही है। मानेंगे, चलेगा। मैं तो एक आम बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरी नहीं, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बुजुर्ग भी यही कहते थे कि भाई रख लिया, धीरे धीरे बेचे जाओ। अच्छा, वो रोकते नहीं थे आखिर तक। अच्छा जी, हर महीने भाई हमने 5,000 रखा है मण, 1,000 मण, 1,500 मण, जैसे मुनाफा मिलना शुरू होता था बेच देते थे। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने, ऐसी मार्गदर्शन करते रहो जी। सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरे मोबाइल का नंबर है 98-102-61-648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने। आप और प्याज में अच्छे पैसे मिलेंगे, किसान को नुकसान नहीं जाएगा, ये खुशी की बात है। सब किसानों को बधाई, धीरे धीरे पर बेचे जाओ। धन्यवाद जी। मंडियों में जिस दिन ज़्यादा प्याज की खबर आने लगे, अपना प्याज एक दो चार दिन रोको, ये हमेशा के लिए कर लो स्ट्रेटजी। जब तक लगातार मंदा की खबर ना आए तो आप उसको थोड़ा, अगर शुरू से धीरे धीरे बेचते रहोगे तो कभी मंडियों में भीड़ होगी ही नहीं। हाँ जी, अब ये तो किसानों के हाथ में कि अपना जिन्स मंदा बेचे या तेज बेचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर लगातार बेचते रहेंगे, 20-25 रुपये बहुत भाव होता है, बेचे। अच्छा जी, और अगर उन्हें लगता है कि भाई हमें आगे तेज और ज्यादा, तो धीरे धीरे बेचे। हाँ जी, हाँ जी, पर सारा रोक के 40 के लालच में किसी के में आके और फिर 15 में बेचना, कोई समझदारी थोड़ा है? समझदारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।